प्रॉपर्टी अगर रोड टच हो ना तो टाइम के साथ तो अप्रिसिएट होने ही वाली है। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए कुछ हटके लेके आती हूँ, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेके आती हूँ जो कुछ हटके हो। तो हे गाइस, मैं लीना और आप देख रहे लोन सब डॉटिंग। तो आज मैंने आपके लिए ऑर्नेट का प्रोजेक्ट लेके आ गई हूँ। तो हमारा ये 33 स्टोरेज का टावर होने वाला है, हमारा ये सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज जो था वो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट फेज था। तो हमारे जो डेवलपर हैं, जो काफ़ी पुराने डेवलपर हैं, इनके ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं मुंबई में, जैसे कि मुलुंड में हो गया, मलाड में हो गया और नवी मुंबई में, सब जगह इनके ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी, जो सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। तो ऑर्नेट ब्रांड के डेवलपर हैं, हाँ, तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी पुराना है। तो नायगांव का हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो चलो सैंपल फ्लैट देखते हैं और साथ साथ में सारी डिटेल्स जानते हैं। मेरे साथ बने रहना, वीडियो को छोड़ के मत जाना, आ जाओ। तो सैंपल फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये जो रोड आप मेन रोड देख रहे हो ना, ये स्टेशन रोड है। 800 मीटर है बस, रेलवे स्टेशन 800 मीटर है। आराम से आप यहाँ पे वॉक करके भी आ सकते हो, शेयरिंग रिक्शा लगी रहती है, 10-15 रुपया लेता है, आराम से चले आओ। मीरा रोड भैंदर के बाद अगर बहुत तेजी से डेवलपमेंट कहीं हो रहा है तो वो है नायगांव। नायगांव में सारे ब्रांड के डेवलपर आ चुके हैं, जो कि उनका कंस्ट्रक्शन चालू है। सारे ब्रांड के यहाँ पे शॉप्स आ चुके हैं, मेट्रो ट्रैक यहाँ से जा रहा है। यहाँ पे आपको सब कुछ इतना जल्दी ये डेवलप हो रहा है ना कि कुछ दिनों में यहाँ पे प्रोजेक्ट लेना भी नामुमकिन रहेगा। तो एंटर करते ही आपको मिल जाता है फायर प्रूफ डोर। अंदर आ जाओ, हम दिखाते हैं आपको लिविंग रूम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको डोर के बाहर भी आपको स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह से सूरज भी डिजाइन कर सकते हो, देख जैसे किया गया है। आ जाओ, हम आपको दिखाते हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट। और मैं आपको बताऊं कि हमारे इस 33 स्टोरेज टावर में आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे, जिसकी कार्पेट एरिया भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, मैं आपको प्राइस भी साथ में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में साथ में मेरे बने रहना। देख लो आप, ये 720 की हमारा 3 BHK का सैंपल फ्लैट है, जो कि आप नीचे टाइल्स देख रहे हो, तो आपको प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स लगा के आपको मिल जाएगी। हम आपको देने वाले हैं रॉ फ्लैट। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के लिए स्पेस मिलेगा, और इस वॉल पे आपको मिलता है टीवी के लिए प्रोविजन, डाइनिंग एरिया स्पेस आपको इस तरफ मिल जाती है। तो आपको हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको अच्छी खासी स्पेसेस, बालकनी भी मिलने वाली है, जो कि 3 साइड कवर रहने वाली है। हर मौसम में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपको टफन ग्लास का रेलिंग भी लगा के हम दे देंगे। तो आपने देख लिया, और व्यू अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से आपको नज़र आने वाला है, सी फेसिंग व्यू हमारा रहने वाला है, आपको आपके घर से समुद्र दिखने वाला है। जी हाँ, क्योंकि 33 स्टोरेज का टावर पूरे नायगांव में कोई भी बिल्डर आज तक लाया नहीं है। और फॉल सीलिंग आप एक बार देख लो इसकी, 9.6 × 17.5 इसका साइज है। आ जाओ, हम चलते हैं किचन के तरफ। तो आपको मिल रहा है ओपन किचन। आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे रोटी बनाओगे, खाना बनाओगे, तो कौन आया है लिविंग रूम में, कौन बैठा, बेल बजा तो कौन अंदर आया, ये आप आराम से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कितना आलीशान हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी आपको वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जा रही है। देखो, आप यहाँ पे वार्डरोब लगा सकते हो, उसमें आप कुछ स्टोर कर सकते हो। और हाँ, यहाँ देख लो, आपको फ्रिज के लिए स्पेस मिलता है, वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। आपका ये प्राइमरी प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे आप अपना कुकिंग कर सकते हो। और ये सेकेंडरी प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे, ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म है, सामने ही मिल जाता है आपको डाइनिंग एरिया स्पेस। तो जो आप खाना खाते रहे तो आप देख सकते हो कि उनको रोटी कम पड़ गई है कि नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हो आराम से। तो और सिंक मिल जाती है आपको, जितनी भी फिटिंग्स रहेगी वो सब आपको प्रीमियम क्वालिटी की रहेगी, क्योंकि जो हमारे डेवलपर हैं वो ब्रांड के डेवलपर हैं। ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ भी हम आपको स्पेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप अपना स्टोर कर सकते हो चीज़ों को। 7.6 × 9.3 इसकी साइज है। और हाँ, ग्रोसरी लेनी है तो आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिलायंस मार्ट, आपको 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे रिलायंस मार्ट मिलेगा। और देखते हुए आ जाओ, हम चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ। तो कॉमन वॉशरूम एक बार आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे आपको ना जितनी भी फिटिंग्स दिख रही है वो सब प्रीमियम क्वालिटी की है, और इतनी प्रीमियम क्वालिटी की आपको फिटिंग्स मिलने वाली है ना, जो आप मॉल वगैरह में देखते हो ना, वो उस क्वालिटी की हमारा यहाँ पे आपको फिटिंग्स मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो कि जैसा देख रहे हो ना, एज इट इज़ हम आपको ऐसा ही देने वाले हैं।
जी हाँ, जयगौर की फिटिंग मिलेंगी, नीचे आपको एंटी स्लिप टाइल्स मिलेगी और जैसा दिख रहा है एज इट इज हम आपको दे देंगे। तो चलो हम देखते हैं फर्स्ट बेडरूम। और हाँ, जब आप विजिट के लिए आओगे तो स्टेशन से हम आपको पिकअप ड्रॉप सर्विस अवेलेबल करा देंगे और हम आपको फर्स्ट बेडरूम में लेके चलते हैं। तो आपके बच्चों का बेडरूम और ये बेडरूम आपका, आप अपने पेरेंट्स का भी बेडरूम इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे जो बीच में वॉल मिल रही है ना, यहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए पेंटिंग कुछ भी इस तरह का आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। आ जाओ देखते हैं आपका ये सेकंड बेडरूम, यानी कि आप अपने पेरेंट्स का बेडरूम इसको बना सकते हो, क्योंकि ये भी आपको मिलने वाला है विथ वॉशरूम। तो आपको ये बेडरूम जो रहेगा वो वॉशरूम इसमें भी आपको मिलेगा। आपको सिर्फ एक कॉमन बेडरूम मिल रहा है जिसमें वॉशरूम नहीं रहेगा, दोनों ही आपको मास्टर बेडरूम मिलने वाला है, दोनों में ही आपको वॉशरूम मिलने वाला है। सीनियरों के लिए भी गार्डन रहेगा और बच्चों के लिए भी गार्डन रहेगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एक एक मैं आपको बताने वाली हूँ। स्विमिंग पूल है बड़े साइज, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेड लग जाएगा आपको, बड़े साइज का बेड लग जाएगा। वार्डरोब के लिए स्पेस आपको मिल जाएगा इस तरफ। और हाँ, यहाँ पे आपको काफ़ी वाइड विंडो मिलने वाली है, तो आप देख सकते हो फ्रेंच विंडो यहाँ पे मिलने वाली है। और जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, हमारा ये सैंपल फ्लैट है, तो आपको व्यू बहुत ही बढ़िया नज़र आने वाला है। मैंने आपको बताया ना कि सी फेसिंग व्यू रहने वाला है। और इस बेडरूम की साइज है 11x9। मैं लेके आ गई हूँ अब आपके बच्चों के बेडरूम में। तो आपके बच्चों का बेडरूम ऐसा ही ब्यूटीफुल होने वाला है। बच्चों का लग जाएगा बेड यहाँ पे, और सामने वाल पे उनके लिए टीवी लग जाएगी, और हाँ यहाँ पे उनका वार्डरोब भी लग जाएगा आराम से। और स्कूल कॉलेज का स्ट्रेस तो होना ही होना है, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और बच्चों के लिए एमिनिटीज बताओ 50+ मॉडर्न एमिनिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। बच्चों के लिए प्ले गार्डन एरिया है, लाइब्रेरी है, आपको डांस स्टूडियो मिलने वाला है, और आपके बच्चों के लिए क्रिकेट टर्फ एरिया भी है, सब कुछ है जो चाहिए, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सब कुछ है बच्चों को खेलने के लिए। और ये देखो आपके बच्चों के लिए अगर चाहिए ना बुक वगैरह रखना है, उनको कुछ भी अगर टैडी वगैरह रखनी है छोटी, तो यहाँ पे इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो और बच्चे आपके आराम से इसमें चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। आ जाओ देखते हैं वॉशरूम। तो ये वॉशरूम भी देख लो आप, यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है और यहाँ पे आपका मिल जाता है वॉश बेसिन, सब जैसा भी दिख रहा है आपको एज इट इज़ हम दे देंगे। तो इसकी भी साइज़ है 11x9। हम आपको दिखाते हैं आपका कॉमन बेडरूम। तो कॉमन बेडरूम आप देख सकते हो, अगर आपके घर में गेस्ट आए तो आप उनको यहाँ भी रुका सकते हो। इसकी साइज है 7.7x9.6। और हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाता है ओपन एम्पी थिएटर, कबाना है, आपको बैंक्वेट हॉल भी मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जॉगिंग ट्रैक। एक एक मैं नहीं बता सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप आओ प्रोजेक्ट विजिट के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे रहते हैं, वो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। 1 BHK में आपको मिल जाता है 421, 430 और 450 का कारपेट एरिया। और हमारा जो 2 BHK कारपेट एरिया रहेगी वो आपको मिलेगी 599, 608, 605, 3 BHK का 720। और हमारे इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग प्राइस है 42 लाख। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लोन शॉप आपसे किसी भी तरह का ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है, तो आ जाओ विजिट के लिए और ले लो अपना एक आलीशान सा फ्लैट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सस्ते और सुंदर घर के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे कृष्ण।